हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में, आव्यूह के बारे में। देखिए, आव्यूह का कंसेप्ट, आव्यूह क्या होता है ये हम बता चुके हैं। मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, ने बता दिया था। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात की थी कि हाउ द मैट्रिक्स कैन बी इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसमें क्या करेंगे। आज मैं मैट्रिक्स के ऑपरेशन बताने जा रहा हूं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। उन्हें एड कैसे करते हैं, उन्हें सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एडिशन। देखिए, मैट्रिक्स का कंसेप्ट हम इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एक बार देख लीजिएगा अगर आपने ना देखा हो वाला वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, अवयवों का योग। अरे इतना इंग्लिश तो आती है, इसलिए ज्यादा नहीं जाएंगे। देखिए क्या होता है, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए पहली कंडीशन यह है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जितनी रो एक में हो, जितने कॉलम हो, उतने सेकंड में होनी चाहिए। तो जैसे मान लिया एक मैट्रिक्स ये हो 1 2 3 4 5 6, ये कितने ऑर्डर की, दो रो है, तीन कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। और एक मैट्रिक्स हो आपका 2 3 4 7 8 9, इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो मल्टी इसका एडिशन हो सकता है, इनको प्लस किया जा सकता है। और तरीका क्या है, क्या करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 प्लस 2 3 2 में, मतलब जो जिसका जगह है, इसकी जगह 2 है, इसका रिश्तेदार ये है। ठीक है, तो 2 प्लस 3 यानी कि 5, 3 प्लस 4 यानी कि 7, 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 8 13, 6 प्लस 9 15। इस प्रकार से दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है पहले। ठीक है, अब अगर इसमें माइनस करना है आपको, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, दो अवयवों को माइनस कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ध्यान रखिए, बहुत लोग सब पढ़ते सब्ट्रैक्शन, सब नहीं होता, सब्ट्रैक्शन होता है। अगर इसको माइनस करना है, देखिए माइनस कुछ नहीं होता है, अगर आप 2 माइनस 3 बोलेंगे तो हम कहेंगे 2 और -3 को ऐड किया गया है, बस ये होता है। ठीक है, तो माइनस में भी सेम चीज होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होते हैं, यानी कि 1 में कौन माइनस होगा, 2, 1 माइनस 2, 2 में कौन माइनस होगा, 3, 2 माइनस 3, 3 में कौन माइनस होगा, 4, 3 माइनस 4, 4 में कौन माइनस होगा, 7, 4 माइनस 7, 5 माइनस 8 और 6 माइनस 9। इस प्रकार से माइनस करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ये दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो थोड़ा टफ होता है, टेक्निकल होता है, साधारण, उसको ध्यान से पढ़िएगा। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, सबसे पहले आते हैं मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं लिखा आपने, मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, स्केलर। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक मैट्रिक्स आपको दे दी ए बी सी डी, ठीक है, और हमने कहा 2a निकालिए। 2 क्या है, 2 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, एक स्केलर नंबर है, तो आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी डी। देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है, 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा 2d। यानी अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, सभी में मल्टीप्लाई होगा पहली चीज, और अगर कॉमन लेना है, बाहर निकालना है, तो सबसे होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से स्केलर से मल्टीप्लाई होता है। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जरा इसमें सावधान हो जाइएगा, थोड़ा सा टेक्निकल मल्टीप्लाई इसका होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, पहली बात समझिएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हो। जैसे ए हमने एक मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 3 की, आप जानते हैं ये रो होता है, रो 1, और ये कॉलम होते हैं, यानी इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कितनी पंक्तियां हैं, 2, कितने कॉलम हैं, स्तंभ हैं, 3। दूसरी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2, इसमें 3 क्रॉस 3 लिख दीजिएगा, इसमें कितनी रो है, यानी ये रो इसमें है R2,
कॉलम सी टू, यानी यहां पर तीन रो है और तीन कॉलम है, ठीक है। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए जरूरी है कि ये दोनों के सेम होने चाहिए, यानी पहली मैट्रिक्स के कॉलम इज इक्वल टू दूसरी जो है मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, होना ही चाहिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, जब हमको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये मल्टीप्लाई होके कोई मैट्रिक्स आ गई, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर ये होगा 2×3, ये ध्यान रखिए। तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे मान लिया अगर मैं इसको उल्टा लिख देता, पहली बात तो हमने ऐसे लिखा है, दूसरा मैं पहले बी लिखता फिर ए लिखता, बी का ऑर्डर क्या है 3×3, ए का ऑर्डर क्या है 2×3, ये दोनों सेम है नहीं है, मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बस, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है और रिजल्ट जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई की पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कोई दो मैट्रिक्स लेके चलते हैं और उसका मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, कोई भी एग्जाम्पल उठाना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, क्वेश्चन में नोट नहीं किया है, अपने आप लिख दीजिए। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दूसरी मैट्रिक्स लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने कहा ए बी, अब अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, आप कहेंगे इसका ऑर्डर 2×3 है, इसका ऑर्डर क्या है 3×2 है। हमने कहा इसका मल्टीप्लाई करके दिखाओ पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहले आप ए बी निकालने जा रहे हैं, ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2×3, बी का ऑर्डर 3×2, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। कैसे मल्टीप्लाई होगा देखिए ध्यान से, थोड़ा सावधान हो जाइएगा, थोड़ा टेक्निकल है। ए को लिखिए पहले आप 4, 5, 6, फिर इनटू में बी को लिखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब जरा देखिए ध्यान से सावधान, इस एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, ये एलिमेंट का परिचय क्या है। तो आप कहेंगे भाई ये पहली रो और पहले कॉलम का मैट्रिक्स है, पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कर दीजिए, पहली रो पहला कॉलम, यानी 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3, यानी सभी एलिमेंट जो पहली रो के हैं वो सभी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किए जाएंगे, 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3। ये कहां लिखा जाएगा, यहां 1 × 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, +2 × 2 + 3 × 3, ये तो आपका इसकी जगह लिखा। अब यहां पे आओ, ये कहां पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी जो भी इसका इंट्रोडक्शन होगा ये अपनी रो लेगा और बगल वाले का कॉलम लेगा, कहेगा हम फर्स्ट रो में हैं सेकंड कॉलम में हैं, तो रो हम अपनी ले ले रहे हैं कॉलम आपका देंगे, लेकिन पूरी रो का मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं इस जगह है तो इसको छोड़ देंगे, पूरी रो का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, +2 × 5 + 3 × 6, तो आएगा 1 × 4 + 2 × 5 + 3 × 6। अब यहां पे आइए, ये थर्ड कॉलम में है, यहां थर्ड कॉलम है नहीं, बोले भाई साहब आप तो चुपचाप बैठो, आपके लिए कॉलम नहीं आ गई, आगे यहां पे आ जाओ, ये फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये सेकेंड रो का एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा 4 × 1 + 5 × 2 + 6 × 3, तो 4 × 1 + 5 × 2 + 6 × 3, ये यहां पर लिख दिया। यहां पे आ जाओ 5, इसका एड्रेस क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 × 4 + 5 × 5 + 6 × 6, ये यहां लिख दिया आपने। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, देखिए अब ये क्या आएगा 1 + 4 + 9, ये आएगा 4 + 10 + 18, ये आएगा 4 × 4 + 5 × 2 = 10 + 6 = 18, ये आएगा 16 + 25 + 36। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, 9, 1, 10, 4, 14, 14 ये आएगा,
अठारह दस अट्ठाईस चार बत्तीस 32 ये आएगा, 18 दस अट्ठाईस चार बत्तीस 32 ये आएगा, और ये ऐड कर लीजिए, छह दून बारह पांच सत्रह अत्या एक तीन एक चार दो छह एक सात सतहत्तर। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, इस ऑर्डर की होगी। देखिए है इस ऑर्डर की, तो ये मल्टीप्लाई हो गया ए क्रॉस बी। अब हमने कहा भाई बी क्रॉस ए निकालिए क्या संभव है, निकाल के देखते हैं। देखिए पहले संभव है कि नहीं है, बी ए निकालते हैं। बी का ऑर्डर क्या है, थ्री क्रॉस टू। ए का ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस थ्री। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पक्का है, कर देते हैं मल्टीप्लाई। पहले बी लिखिए, बी लिखा हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर लिखा हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये यहां ऊपर लिखा जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां क्या लिखेंगे, वन इंटू वन प्लस फोर इंटू फोर, वन इंटू वन प्लस फोर इंटू फोर। फिर यहां आइए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वन इंटू टू प्लस फोर इंटू फाइव। अब इसके आगे एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, इसलिए यहां मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि कॉलम उधर अगर है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कहेगा भैया हम नहीं मानेंगे। तो वन इंटू थ्री प्लस फोर इंटू सिक्स। अब सेकेंड रो पे आइए, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई किसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। पूरी रो का मल्टीप्लाई पूरे कॉलम से करते हैं, इसीलिए इसकी रो और इसके कॉलम की संख्या बराबर मानी जाती है। तो 2 इंटू वन प्लस फाइव इंटू फोर, टू इंटू वन प्लस फाइव इंटू फोर। यहां पे आइए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू टू प्लस फाइव इंटू फाइव। फिर इधर आएंगे 2 इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू सिक्स, यहां ये 3 इंटू वन प्लस सिक्स इंटू फोर। फिर सेकेंड रो सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू टू प्लस सिक्स इंटू फाइव, थ्री इंटू थ्री प्लस सिक्स इंटू सिक्स। आप कैलकुलेट कर लीजिए उठा करके, वन प्लस सोलह, टू प्लस बीस, थ्री प्लस ट्वेंटी फोर, टू प्लस ट्वेंटी फोर, प्लस ट्वेंटी फाइव, थ्री टू जा सिक्स प्लस थर्टी, थ्री प्लस ट्वेंटी फोर, सिक्स प्लस थर्टी, नाइन प्लस थर्टी सिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा सोलह एक सत्रह सेवनटीन, ये आएगा ट्वेंटी टू, ये आएगा ट्वेंटी सेवन, ये आएगा ट्वेंटी टू, ये आएगा ट्वेंटी नाइन, ये आएगा थर्टी सिक्स, ये आएगा ट्वेंटी सेवन, ये आएगा थर्टी सिक्स, ये आएगा फोर्टी फाइव। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अब देखिए कितनी रो है, थ्री रो है, कितने कॉलम है, थ्री कॉलम है। ऑर्डर क्या इसका है, थ्री क्रॉस थ्री। हमने क्या कहा था मल्टीप्लाई करने से क्या ऑर्डर आएगा, थ्री क्रॉस थ्री। तो ये मल्टीप्लाई होता है। एक बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, जब ध्यान से समझिएगा, नोट लिख लीजिए चाहे इसको, और चाहे ये कुछ और हम बताना चाहते हैं इसमें उसको समझ लीजिए। पहले एक नोट करके लिखिए, अभी साइज बाद में बात करते हैं, एक नोट करके लिखिएगा। एक मैट्रिक्स है ए, जीरो जीरो माइनस वन टू, जीरो जीरो माइनस वन टू, और एक मैट्रिक्स है बी, थोड़ा नीचे लिखिएगा तो ऊपर का कट जाए, कभी कभी होता है। एक मैट्रिक्स है ए, जीरो जीरो माइनस वन टू, और एक मैट्रिक्स है बी, थ्री फाइव जीरो जीरो। देखिए अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए। अब आप कहेंगे इसमें मल्टीप्लाई से क्या फर्क पड़ता है, बहुत इजी है, कोई बात नहीं, करिए इसको। जीरो जीरो माइनस वन टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री फाइव जीरो जीरो। जरा समझिएगा, क्या हमने कहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जीरो इंटू थ्री प्लस माइनस वन इंटू जीरो, क्या आएगा, जीरो आएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जीरो इंटू फाइव प्लस माइनस वन इंटू जीरो, जीरो आएगा। जीरो इंटू थ्री प्लस
टू इंटू जीरो जीरो आएगा, जीरो इंटू फाइव प्लस टू इंटू जीरो जीरो आएगा। जरा समझिए कहना हम क्या चाहते हैं। आपने पढ़ा है कि दो चीज का मल्टीप्लाई जीरो है, कब हो सकता है? तो पढ़ा यह है कि भाई या तो ए जीरो हो जाए, या तो बी जीरो हो जाए, या ए और बी दोनों जीरो हो। दो चीज का मल्टीप्लीकेशन जीरो तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक जीरो है या दोनों जीरो हो। लेकिन क्या आपसे कहा जाए इज इट पॉसिबल दैट टू नॉन जीरो थिंग्स कैन मेक द प्रोडक्ट जीरो? दो नॉन जीरो थिंग्स प्रोडक्ट को जीरो कर सकते हैं आप? यस, इन द केस ऑफ मैट्रिक्स ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ये कैसी है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है, अशून्य आव्यूह है। ये क्या है? इट इज ऑल्सो नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसके बावजूद दोनों का प्रोडक्ट, दिस इज द रिजल्ट इज जीरो मैट्रिक्स। तो आपसे अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि इज इट पॉसिबल कि दो नॉन जीरो चीज का मल्टीप्लाई जीरो हो, तो आप कहेंगे यस, इन द केस ऑफ मैट्रिक्स इट इज पॉसिबल कि टू नॉन जीरो मैट्रिक्स इन द सम केसेस, सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन मेक द प्रोडक्ट जीरो। ओके, तो ये कंसेप्ट है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो कि आपकी 3.2 है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सुनो कर लीजिएगा, जब राइटिंग पे ना जाइएगा क्योंकि वो थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कैसे बन पाएगी। देखिए 3.2 एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बात करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी की है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 4 3 2, बी इज गिवन 1 3 2 5 एंड सी इज गिवन -2 5 3 4। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि आप ए माइनस बी निकालो, सेकेंड पार्ट कह रहा है आप 3a माइनस सी निकालो, थर्ड पार्ट कह रहा है कि आप ba निकालो, ab निकालो। इस प्रकार से मतलब पूरा इसका खानदानी डिस्क्रिप्शन दो आप, सी के बारे में बात की। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट हम लगाते हैं, अभी हम बता चुके हैं आपको, पहले a लिखिए आप 2 4 3 2, माइनस बी लिखिए आप 1 3 2 5। हमने माइनस का तरीका क्या बताया कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत जो अवयव हैं वो माइनस होंगे। 2 में कौन माइनस होगा? 1, तो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 5 माइनस का 3, ये हो गया। ठीक है, इसमें देखिए 3a का मतलब क्या है? 3 into a। तो पहले 3 का a से मल्टीप्लाई किया 2 4 3 2, माइनस सी क्या है? -2 5 3 4। इसका तरीका क्या है? अभी हम बता चुके हैं आपको कि जो इसका मल्टीप्लाई होता है वो पूरे एलिमेंट में से होता है। तो 3 से हो जाएगा 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6। इसको याद मत कर देना भाई, हम तो बड़े उदार हैं, ब्याज ही कर देंगे, वो माइनस लगाए बीच में। ठीक है, माइनस -2 5 3 4 इज इक्वल टू वही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 6 में से माइनस करोगे -2, तो 6 + 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 - 5 8 हो जाएगा, 9 - 6 3 6 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कहा गया आप मल्टीप्लाई करके दिखाओ, कर दीजिए मल्टीप्लाई, a इंटू बी करिए तो 2 4 3 2, बी क्या है 1 3 2 5, मल्टीप्लाई तरीका बताया गया आपको। इसका ऑर्डर क्या है? 2 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 2 into 1 प्लस 4 into 2, मल्टीप्लाई तरीका आ गया होगा। यहां पे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पूरी रो पूरा कॉलम, 2 into 3 प्लस 4 into 5, 2 into 3 प्लस 4 into 5। यहां ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम, 3 into 1 प्लस 2 into 2, 3 into 3 प्लस 2 into 5। तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 8
ये हो जाएगा 6 प्लस 20, ये हो जाएगा 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 9 प्लस 10। ये देखो ये कैसे हुआ, मल्टीप्लाई किया हमने, इसको ऐड कर दो, 10, 26, 7 एंड 9। इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये पानी है और कुछ नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कुछ पार्ट्स आप अपने आप करेंगे, हम बहुत इजी जो बहुत है उनको सामने प्लस है वो कर लेंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड और फोर्थ पार्ट देखेंगे। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस करना है 2ab माइनस 2ac 2bc माइनस 2ab। ये पार्ट जैसा कि हमने बताया करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें कौन प्लस होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें से कौन प्लस होगा ये, तो यहां आएगा थोड़ा गैप करके लिखिएगा, मतलब एक कॉलम अलग से दिखे रो अलग से दिखना चाहिए, उसी में घुस फुस मत कर देना। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहां क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से माइनस को पॉजिटिव प्लस करना है तो माइनस 2ac होगा, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने इसका परिचय पढ़ा होगा, ये क्या लिखा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर, दिस इज ए माइनस सी टू द होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर, नथिंग इज देयर, दिस इज द रिजल्ट। ये जानना चाहते हैं एडिशन कैसे होता है, और कोई इनका मतलब नहीं है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए इसका, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, वही चीज करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन 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 वन, इस प्रकार से इसका प्लस हुआ, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, 10 क्वेश्चन करीब डिस्कस कर लेते हैं हम। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उस पार्ट हम बताते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन है, पहले तो पॉसिबल है कि नहीं है, इन्होंने चूंकि नहीं पूछा पॉसिबल है ही नहीं, उन्होंने कहा मल्टीप्लाई करिए तो पॉसिबल ही होगा। देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं ए बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी बी ए, मल्टीप्लाई करके दिखाइए, सिंपल तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए इंटू ए, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर फर्स्ट और सेकेंड कॉलम ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस ए बी, और ये दिस इज स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जीरो, ये जीरो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा देखिए वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाए क्या पूरे से क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप कहेंगे भाई हम इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या बचेगा 1001, इसको पहचानते होंगे आप, ये इकाई जो है वो है अभी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप चाहे तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, और इसका ऑर्डर 2 है से 2 ले सकते हैं, तो अगर वो चाहे तो इस प्रकार से आपसे प्रूफ करा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए इसका,
इसका सेकेंड पार्ट जरा देखिए, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होना है वो 2 3 4 2 3 4। अब देखिए इसका आर्डर क्या है, आप कहेंगे इसमें तीन रो है एक कॉलम है, इसका आर्डर है 3 क्रॉस 1। इसका आर्डर क्या है, एक रो है सॉरी इसमें एक रो है और तीन कॉलम है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है, हो सकता है। कैसे मल्टीप्लाई होगा देखिए जरा ध्यान से, यहां ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 कॉलम में आगे एलिमेंट है, रो में एक ही एलिमेंट 1 × 2 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 4, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ऑर्डर क्या इसका है 3 × 3, हमने क्या बताया था ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 × 3। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई होंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अपने आप करिएगा। इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, देखिएगा सुनोट कर लीजिएगा, यह बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है, ठीक है, कि इसको इससे करेंगे आगे कहां जाएंगे, आगे इसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, बहुत जो बहुत छोटी जो मैट्रिक्स होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यहां वो कॉलम हो चाहे ना, पहली रो इसके सभी कॉलम कवर होने चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स है 1 2 -3 5 0 2 -1 -1 0 और बी एक मैट्रिक्स है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और सी एक मैट्रिक्स है 4 1 3 0 3 2 1 -2 3। तो कह रहे हैं पहले आप ए प्लस बी निकालो फिर आप बी माइनस सी निकालो, पहले तो इतनी बात करिए आप। तो देखिए ए प्लस बी निकालते हैं हम, तो ए बी को पैरेलल लिखना पड़ेगा, तो 1 2 -3 5 0 2 -1 -1 0 + 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। इसका रिजल्ट आप जानते हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते हैं, तो 1 + 3 यानी कि यहां 4 आएगा, 2 + -1 यानी कि यहां 1 आएगा, -3 + 2 यानी कि -1 आएगा, 5 + 4 यानी कि 9 आएगा, 0 + 2 2 आएगा, 2 + 5 7 आएगा, -1 + 2 1 आएगा, -1 + 0 -1 आएगा और 0 + 3 3 आएगा। ये तो आपका a प्लस बी निकला, ठीक है। अब a प्लस बी कहीं ऊपर लिख लीजिए क्योंकि आगे जगह नहीं होगी, आगे जरूरत पड़ेगी हमको इसकी, हम यहां a प्लस बी लिखे ले रहे हैं। जो a प्लस बी निकला है इसकी वैल्यू लिखे ले रहे हैं हम, 4 1 - 1 4 1 - 1 9 2 7 9 2 7 और 1 -1 3, ये हमने ए प्लस बी लिख दिया। अब कह रहे बी माइनस सी निकालो, निकालिए बी माइनस सी, बी माइनस सी निकालिए, बी माइनस सी, तो बी लिख दीजिए उठा करके, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 - C = 4 1 3 0 3 2 1 - 2 3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होते हैं, 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 2 - 3 - 1 4 - 0 4 2 - 3 - 1 5 - 2 3 2 - 1 1 0 - -2 + 2 3 - 3 0 ये आ गया बी माइनस सी, ठीक। अब जरा इतना निकालने के बाद इन्होंने एक वेरिफिकेशन आपसे कहा है कि आप एक चीज वेरीफाई करके बता, कह रहे शो करिए टू प्रूव, शो करिए कि ए प्लस बी माइनस सी
इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए में आप बी माइनस सी प्लस कर दीजिए और एक बार ए प्लस बी में से सी माइनस कर दीजिए, रिजल्ट विल बी सी। तो आप एलएचएस ले लेंगे, ए लिखेंगे, फिर बी प्लस सी लिखेंगे, फिर कोई रिजल्ट आएगा, फिर एक में आरएचएस में ए प्लस बी लिखेंगे, फिर सी को माइनस करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, ये अपने आप कर लेंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इतना कर लीजिएगा आप लोग। एक मैट्रिक्स है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स है, बड़ी खतरनाक टाइप की लिखी है, इसका लुक बड़ा डरावना है और कुछ नहीं है। टू बाई, तो राइटिंग थोड़ा गंदी है तो थोड़ा सा ग्रामीण लिख देते हैं, टू बाई थ्री, वन बाई थ्री, सेवन बाई थ्री, वन, टू बाई थ्री, टू, फाइव बाई थ्री, फोर बाई थ्री, टू बाई थ्री, ये ए है। हम बिल्कुल इसके बगल में बी लिख रहे हैं, जानबूझ के लिख रहे हैं, बी है ये, तो आएगा टू बाई फाइव, वन बाई फाइव, सेवन बाई फाइव, थ्री बाई फाइव, टू बाई फाइव, सिक्स बाई फाइव, वन, फोर बाई फाइव, टू बाई फाइव। फिर कह रहे हैं आप 3a माइनस 5b निकालिए। अब 3 इंटू ए लिखेंगे तो देखिए 3 इंटू ए लिख दिया और माइनस 5 इंटू बी लिख दिया, हो गया। अगले स्टेप करेंगे, आपने काट देना उसको। तो हमने मल्टीप्लाई का रूल क्या बताया भाई, 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब 3 यहां मल्टीप्लाई जाएगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां क्या बचेगा, 2 यहां बचेगा, यहां 1 बचेगा, यहां 7, यहां बट अपान में 3 है नहीं, यहां 3 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 6 आएगा, यहां आएगा 5 आएगा, यहां 4 आएगा, यहां 2 आएगा, माइनस 5 को अंदर ले जाओ, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, जहां जहां अपार में 5 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 2 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 2, 6, ये 5, 4, 2, बस माइनस करो दोनों को, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 7 माइनस, सब 0 0 0 आ रहे हैं, तो इस प्रकार से जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन लगाइएगा, कॉन्सेप्ट आ दिया हमें। ओके, थैंक यू।